नमस्कार, मैं हूं रुपावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। कोटपुतली बांसूर रोड स्थित गोल्ड सिनेमा में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा कोटपुतली एवं बांसूर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को केरल स्टोरी फिल्म निःशुल्क रूप से दिखाई गई। फिल्म देखने के उपरांत महिलाओं ने फिल्म को जागरूकता से परिपूर्ण महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किए जाने का एक सफल प्रयास बताया। तो वहीं मीडिया से मुखातिब जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि आज द केरल स्टोरी का जो शो था कोटपुतली के अंदर, हम सबने अपनी माताओं बहनों बेटियों के साथ में देखा। उनके चेहरे पर वो भाव नजर आ रहा था जो एक परिवार को सुरक्षित रखने का एक भाव होता है। हमारा हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है और उसके अंदर हम किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाते। तो चाहे कोई भी धर्म हो, हम अपने धर्म को समझें। पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग शहरों में शोज़ कराए जा रहे हैं द केरल स्टोरी। ये फिल्म एक जागरूकता की फिल्म है, आतंक का एक नया रूप है, बहुत ही घिनौना एक रूप है, जिसके अंदर बेटियों की बहनों की जो भावनाएं होती हैं उनसे खिलवाड़ करके उन्हें वस्तु की तरह इस्तेमाल करा जाता है। एक इंसानियत की तरह नहीं, एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करा जाता है। और न जाने कितनी बहन बेटियां हमारी जयपुर ग्रामीण सांसद का शिकार हो गए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा कोटपुतली एवं बांसूर विधानसभा क्षेत्र असली कहानी के ऊपर केरल स्टोरी फिल्म निःशुल्क रूप से दिखाई गई। लेकिन मकसद इसका यह है कि समाज में जागरूकता है, जागरूकता से परिपूर्ण महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किए जाने का एक सफल प्रयास बताया। तो वही मीडिया से मुखातिब जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा, कोई धर्म ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि उनकी बेटियों के साथ में इस तरह का सलूक हो, इस तरह का टॉर्चर हो। और जो अलगाववादी हैं, जो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको अलग थलग करना, ये उस विशेष समुदाय, उस विशेष समाज की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये ऐसी हरकतें पूरे समाज को बदनाम करती हैं। एक तो हमारे धर्म के लिए मिली है कि हमें हमारे धर्म से काफी जुड़ के रहना चाहिए। सर, आपका मोबाइल पीछे करो, उनको कैमरे के सामने आना है। इस तरह से इस्लाम को अपनाने के लिए बताया गया है कि अंडा लड़कियों को अपने धर्म के अगर पकड़ नहीं होगी तो कोई भी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं। अगर अपने धर्म को नहीं पकड़ रहे कोई भी आपको डाइवर्ट कर देगा। और मैं अपनी बेटी के साथ ये फिल्म देखने आई हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आज की जो जनरेशन है तो इस बहकावे में आती जा रही है और मुझे लगता है कि अपने जो बच्चे होते हैं उनको हर समस्या अपनी माँ पिता को बतानी चाहिए और माता पिता अपने बड़े ध्यान से उनकी बात सुननी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको भी हर किसी के बहकावे में ना आकर के सारी समस्या अपनी माता पिता से शेयर करनी चाहिए और अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा, उसको भी स्वयं देखना चाहिए, ना किसी को शेयर होना चाहिए। और जो हमारे साथ गलत होता जा रहा है उसमें ना फंसते रहें। अगर फंस भी जाते हैं तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं ताकि वो, क्योंकि पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते किसी बच्चे का। वो अगर गलत फंस गए हैं बच्चे तो उसे निकालने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से मूवी में जो शालिनी की माँ थी तो एंड टाइम पर जैसे उसने निकाह कर लिया था, उस टाइम पर भी भागी आई थी। उसके लिए उसने अपने बच्चों के लिए धर्म भी अपनाने का बोल दिया था कि मैं धर्म अधर्म जो है अपनाने के लिए भी तैयार हूँ अपने बच्चे के लिए। तो माता पिता बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, यहाँ तक कि धर्म को भी अपनाने के लिए तैयार है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत सुरक्षित अपने पास रहें, चंगुल में ना फंसे, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा होता है और उसकी जो मान सम्मान इज्जत जो है बेटियों की उनको भी खतरा होता है। लोग जो दूसरे धर्म के होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी बहन बेटियों को। तो अपनी बहन बेटियों को हम भी ऐसी, जो माँ बाप हैं वो भी ऐसी शिक्षा दें अपने माता बच्चों को कि जो है वो बाहर किसी के बहकावे में ना आए और अपने आप सुरक्षा स्वयं करें और अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं, कौन हैं और किस तरह से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो मूवी है वो बेस्ट है। आज की जनरेशन को सब लोग देखना चाहिए, माता पिता को देखना चाहिए, क्योंकि जो रियल है वो तो है, सब जानते हैं जो स्टोरी। लेकिन अपने बच्चों के लिए और जो बहन बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ कैसे क्या होता है। आज की जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है उसमें जो मोबाइल सबसे ज्यादा अहमियत ज्यादा रखते हैं, तो वही बच्चों के पास मोबाइल, ग्रामीण सांसद उस मोबाइल के जरिए पता नहीं क्या क्या बच्चे करते हैं।
होते हैं, हर माता पिता को ये पता भी नहीं चलता, अनपढ़ माता पिता भी होते हैं कई, तो उनको सारी चीज़ें नहीं पता है। लेकिन जैसा कि राज्यवर्धन सिंह ने बताया कि उन्होंने बताया सबने कि हमें ऐसा पता होना चाहिए, अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसके पास आस पास जो है कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये सब जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की, एक अच्छे पेरेंट्स की होनी चाहिए, वो गलत रास्ते ना जाएं, और अगर चले भी जाएं तो हम उनका पूरा पूरा साथ दें, ना कि उनको डांटें, बड़े प्यार से अपने पास रखें, उनको समझाएं। और मुझे विश्वास है कि जो अपने अच्छे जो संस्कार होते हैं वो बच्चों को जरूर अपने पास वापस लौट करके ले आते हैं।